हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग एडा। वैसे आज का वीडियो में मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ ओएससीबी का, ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। वैसे ये बहुत साल बाद निकला है, आशा करता हूं ये आप क्रैक करके ही रहेंगे। अगर आप इसको एम किए हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो के एंड तक जरूर देखना ताकि ईच एंड एवरी बिट आपको समझ में आए। वैसे आज का वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कितना पोस्ट निकला है, क्या क्या निकला है और कौन सा आपका स्ट्रेटेजी होगा कि कैसे प्रिपेयर करना है और कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग के लिए कौन सा चैप्टर होगा, इंग्लिश के लिए क्या होगा, सारा का सारा जो भी आपका प्रिपरेशन के लिए जो जरूरी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। वैसे और एक बात, क्वेश्चंस यहाँ पे मैं पूरा डिस्कस कर लूंगा कि कौन सा लेवल का आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना ताकि ये आपको बहुत हेल्प कर सके, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो में, देखेंगे कि क्या हम लोग का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ठीक है, चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वैसे आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ओएससीबी का आपका क्या होना चाहिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए आपका फुल प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए और क्या होना चाहिए वो देखेंगे। वैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आएगा और उसको कैसे निपटना है, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर देखना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप नए हैं तो। वैसे देखेंगे तो पोस्ट डिटेल्स पहले अगर देख लेते हैं और उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं कि हाउ टू अप्रोच, हम लोग अप्रोच क्या लेना है और कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहला है आपका, अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मैं बता सकता हूँ वैकेंसी सिर्फ तीन कैटेगरी के लिए निकला है। पहला है आपका बैंकिंग असिस्टेंट ग्रेड टू के लिए, जो कि 485 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकला है। और दूसरा है आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड टू, ये भी है 267 नंबर ऑफ के लिए। वैसे तीसरा जो निकला है सिस्टम मैनेजर, ये थोड़ा कम निकला है, 34 नंबर्स के लिए निकला है, ठीक है। वैसे अगर देखते हैं तो बैंकिंग असिस्टेंट ग्रेड टू हुआ या फिर असिस्टेंट मैनेजर हुआ, ये दोनों के लिए आपका प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम दो है, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका टू फेज एग्जाम होगा। अगर पहला देखूँ बैंकिंग असिस्टेंट के लिए तो सिर्फ टू फेज एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी जो कि आपका 100 मार्क्स का रहेगा, आपको 60 मिनट पे आपको करना है। वैसे मेन एग्जाम के है आपका रहेगा 160 मार्क्स, जैसे कि आपको 140 मिनट्स पे करना है, ठीक है। वहाँ यहाँ पे पूरा ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका वाइवा नहीं है, ठीक है। मुझे बहुत जन पूछे हैं कि सर यहाँ पे वाइवा होगा क्या, यहाँ पे ध्यान रखना बैंकिंग असिस्टेंट के लिए आपका वाइवा नहीं है। वैसे अगर देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड टू के लिए तो यहाँ पे भी आपका दो फेज का एग्जाम होगा, उसके साथ आपको वाइवा भी आ जाएगा। वैसे हमेशा याद रखना प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा यहाँ पे भी सेम रहेगा एज पर योर बैंकिंग असिस्टेंट, जैसे था जैसा है वैसे ही रहेगा, वही फॉर्मेट में रहेगा। और मेन एग्जाम भी वही फॉर्मेट में रहेगा, 160 मार्क्स इन 140 मिनट्स, क्लियर। वैसे थर्ड होगा आपका वाइवा टेस्ट, ठीक है। वैसे यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे कैसे मार्क्स आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे जो आपका मेन एग्जाम में आएगा बैंकिंग असिस्टेंट में, जो आपका मेन एग्जाम में आएगा वही आपका डायरेक्टली कंसिडर किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड टू या फिर सिस्टम मैनेजर अगर देखेंगे तो मेन एग्जाम पे यहाँ पे जितना भी मार्क्स आएगा, या अब तक पता चला है कि इसको 85% मार्क्स कंसीडर कर लेंगे, 85% को यहाँ पे कंसीडर करेंगे और वाइवा में आपका 15% ऐड होगा, ऐसे करके आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। अगर देखेंगे तो प्रिलिमिनरी का मार्क्स आपका ऐड नहीं होगा। वैसे सिस्टम मैनेजर अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक सिंगल फेज एग्जाम है, वाइवा टेस्ट है, तो यहाँ पे भी 160 मार्क्स, वैसे आपको मिलेगा 140 मिनट्स सॉल्व करने के लिए, उसके साथ साथ आपका वाइवा भी है। वैसे यहाँ पे भी मेन एग्जाम में ये एक ही एग्जाम है, सिंगल फेज एग्जाम है, यहाँ पे आपका जितना भी आएगा उसको 85% कंसिडर करके बाकी का आपका 15% यहाँ वाइवा से आप कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल ये दोनों मिला के जो भी आएगा वो आपका सिलेक्शन के लिए कंसिडर किया जाएगा। अब चलते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा। वैसे अगर देखेंगे बैंकिंग असिस्टेंट के लिए अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो आपका रहेगा प्रिलिमिनरी मेन, जैसे आपको बोला था प्रीवियस स्लाइड में, इंग्लिश आपका रहेगा 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स, और आपको मिलेगा अलॉटेड टाइम 20 मिनट्स, आपको 20 मिनट पे 30 क्वेश्चंस निकालना करना है और 30 मार्क्स रहेगा, एक एक क्वेश्चन एक मार्क्स का रहेगा। दूसरा है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ आपका आईबीपीएस क्लर्क में आता है वही फॉर्मेट में आएगा,
35 क्वेश्चंस रहेगा, 35 मार्क्स रहेगा, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, एंड आपको टाइम दिया रहेगा 20 मिनट्स। वैसे रीजनिंग एबिलिटी भी आपको 35 क्वेश्चंस मिलेगा, 35 मार्क्स होगा मैक्सिमम, और 20 मिनट्स का आपको करना है। इसका मतलब हो गया टोटल हो गया 60 मिनट्स, लेकिन इंडिविजुअली आपको टाइम अलर्ट रहेगा, ठीक है, वैसे 100 मार्क्स का। यहाँ पे ध्यान रखिए कितना हम लोग का जा सकता है कट ऑफ, कट ऑफ तो बाद में देखें, जैसे एग्जाम होगा उसके बाद पता चलेगा। वैसे ये होगा आपका प्रिलिमिनरी सेक्शन, अगर ये क्लियर होता है तो आप मेन के लिए आपको फिर से एक नया कार्ड इशू होगा, एडमिट कार्ड इशू होगा, और आपका मेन एग्जाम है ये वाला फॉर्मेट पे आपका एग्जाम आएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक नया क्या ऐड हुआ है, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये होता है 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। यहाँ पे देखिए सारा का सारा 40 40 40 40 का डिवीजन है, मार्क्स भी वैसे 40 40 40 40 का डिवीजन है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम अलॉटेड है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आपका 30 मार्क्स टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस, एंड जनरल इंग्लिश के लिए भी 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 40 मार्क्स मिलता है। रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी ये आपका 40 40 मार्क्स का होता होगा, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ 35 35 मिनट्स मिलेगा। तो यहाँ पे होगा टोटल 140 मिनट्स और 160 मार्क्स आपको निकालना है। अगर ये अगर देखेंगे तो ये जैसा ही था, ये यहाँ पे बैंकिंग असिस्टेंट पे जैसा रहेगा, सेम फॉर्मेट आपका असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी रहेगा। लेकिन एक्चुअली क्या बात होगा, प्रिलिमिनरी सेम फॉर्मेट को होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपके बैंकिंग असिस्टेंट के लिए बोल सकता हूँ, यहाँ पे बेस लेवल आपका क्वेश्चन रहेगा, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको रहेगा इजी टू मॉडरेट लेवल, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए मॉडरेट टू हार्ड रह सकता है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ असिस्टेंट मैनेजर होगा तो आपको पीओ लेवल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वैसे उतना अभी तक नहीं बताया है, अब कुछ भी श्योर देके नहीं बता सकते हैं, लेकिन जितना आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां से आपको पता चल सकता है असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका पीओ लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे यहाँ पे भी सेम मेन एग्जाम सेम फॉर्मेट में होने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं सिस्टम मैनेजर के लिए क्या आपका एग्जाम होगा, ठीक है। सिस्टम मैनेजर के लिए ये है आपका एग्जाम पैटर्न, जैसे कि आपका जनरल जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ जनरल अवेयरनेस यहाँ पे पूछेगा, जो कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, आपको 20 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। जनरल इंग्लिश के लिए आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, वैसे 30 मिनट मिलेगा। वैसे रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे बहुत ईजी आएगा, हमेशा याद रखिए रीजनिंग एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी ये थोड़ा ईजी आएगा। यहाँ पे ये था रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जो कि आपको 30 मिनट्स मिलता है, इजीली आप कर पाएंगे। वैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन मिलेगा 40 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे आपका 35 मिनट्स मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पे क्या है, अगर प्रोफेशनल नॉलेज देखेंगे तो क्योंकि ये सिस्टम मैनेजर के लिए पूछा है, मतलब यहाँ पे आपका आईटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मतलब जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड फंडामेंटल्स हुआ, नेटवर्किंग हुआ, ये सब आपका कंप्यूटर सिस्टम के लिए कंप्यूटर के ऊपर जितना सारा क्वेश्चन आएगा वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज में आएगा, जो कि सिर्फ 30 मार्क्स का आएगा, और वैसे 30 आपका क्वेश्चन रहेगा और आपको टाइम मिलेगा 25, और ये सारा का सारा आपका क्या होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू आपका होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कुछ भी मेन एग्जाम मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम लेसन प्लान देखते हैं तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए देखेंगे, पहले बैंकिंग असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर ये दोनों के लिए आपका सेम होगा लेसन प्लान। जैसे कि इंग्लिश अगर देखते हैं तो कैसे आपका आंसर निकालना है, मतलब कैसे आपका स्कोर इजीली ज़्यादा स्कोर करना है, ये अगर देखेंगे तो हमेशा याद रखिए आपका रीडिंग कंप्रेशन तो एनी हाउ आएगा, वैसे 5 मार्क्स आ सकता है, मिनिमम ऑफ 5 मार्क्स आएगा, कभी कभी आपका 10 मार्क्स भी आ जाता है, लेकिन मुझे जितना पता है जितना अभी अंदाज़ा लगाए हैं हम लोग, तब तक वहाँ पे पता चलता है कि आपका 5 क्वेश्चंस आएगा। और ग्रामर ग्रामर मतलब यहाँ पे आपका एरर स्पॉटिंग द एरर आपका, या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट हुआ, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, ये 3 फॉर्मेट में आपका 5 क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है नेक्स्ट चलते हैं वोकैबुलरी, मतलब यहाँ पे क्लोज टेस्ट रहेगा, यहाँ पे कैसे रहेगा, एक प्लैंक के लिए 5 आपका वर्ड्स दिया रहेगा, ठीक है, वो कौन सा वर्ड आपका अप्रोप्रिएट होगा, वहाँ पे एक पैराग्राफ दिया रहेगा, पैराग्राफ में 10 या फिर 5 ब्लैंक्स दिया रहेगा, एक एक ब्लैंक के लिए 5 5 ऑप्शंस वहाँ पे आपको चूज करना है, वो होता है वोकैबुलरी टेस्ट या फिर क्लोज टेस्ट। और नेक्स्ट आता है पैरा जंबलिंग, अगर यहाँ पे आपका वोकैबुलरी क्लोज टेस्ट 5 5 क्वेश्चन आए तो पैरा जंबल से 5 क्वेश्चन आएगा, अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन आ जाते हैं तो पैरा जंबल से क्वेश्चन कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है। ये रहेगा आपका इंग्लिश का पैटर्न दोनों बैंकिंग असिस्टेंट के लिए और असिस्टेंट मैनेजर के लिए, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूँ बैंकिंग असिस्टेंट के लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा, असिस्टेंट मैनेजर के लिए थोड़ा सा आपका डिफरेंट रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। अब अगर देखेंगे
एडवांस सेक्शन में तो डाटा इंटरप्रिटेशन तो एनी हो आएगा ही, आपका आएगा, आपका 5 से 10 क्वेश्चन आएगा, 5 से 10 क्वेश्चन या फिर 1 से 2 सेट आपका आ जाएगा, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ, एक होता है बार ग्राफ का आ जाएगा और दूसरा आएगा आपका पाई चार्ट आ सकता है या फिर राडार आ सकता है, ऐसे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। वैसे अगर ना दूसरा चलते, अब नेक्स्ट चलते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपका क्वेश्चन एनी हाउ मिल जाएगा। आपका यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बहुत इजी रहेगा, 2 क्वेश्चन थोड़ा टफ रहेगा, ध्यान देना। यहाँ पे नंबर सीरीज आप इजीली, तो यहाँ पे 3 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन ये 100% लगा लीजिए, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि 10 मार्क्स भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन पूछने वाला है। और यहाँ पे ज़्यादातर क्या यूज होता है आपका, यूनिट प्लेस मेथड, वो यूज करके आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका इजी आएगा, 0 से 5 मार्क्स का आपका मिल जाएगा। और बाकी है आपका मिसेलेनियस अरिथमेटिक प्रॉब्लम, मतलब आपका जैसे हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, या फिर सिंपल इंटरेस्ट हुआ, बोट एंड स्ट्रीम हुआ, जैसे कि टाइम एंड वर्क हुआ, टाइम एंड वेजेस हुआ, ये सब आपका क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि 10 से 10 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आप चलते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग अगर देखेंगे तो सबसे, अगर ये तो सबको पता है होता है कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, यहाँ पे आपका 10 से 15 क्वेश्चन, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये है आपका 2 से 3 सेट का क्वेश्चन मिलेगा। 2 से 3 सेट का क्वेश्चन मतलब आपका एक सेट एनी हाउ आएगा ओनली सीटिंग अरेंजमेंट में, एक सेट आपका सीटिंग अरेंजमेंट में आएगा, दूसरा जो 2 सेट होगा वहाँ पे पजल हो सकता है, जैसे कि फ्लोर बेस्ड का पजल हो सकता है या फिर एक रैंडम पजल भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा अगर नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्शन टेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, सिलोजिज्म से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे एक जो नया नया भी सिलोजिज्म का क्वेश्चन आता है, जैसे कि एनी हुआ या फिर ओनली इफ हुआ एलोन हुआ, ये सब क्वेश्चन आपका सिलोजिज्म में अभी आ जाता है, या फिर आपका रिवर्स सिलोजिज्म भी कोई यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग अगर देखते हो, देखे तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ इंटरचेंजिंग कंडीशन हुआ या फिर आपका कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन हुआ, ये निकल सकता है। कोडिंग डिकोडिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। इनइक्वालिटीज आपको 3 से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे कि मैं फिलहाल हाल ही में आपको पढ़ाया था इनइक्वालिटीज, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब क्या होता है, ठीक है। वैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये, इसको छोड़ना मत, यहाँ पे आप इजीली 5 मार्क्स निकाल सकते हैं, इजीली 5 मार्क्स निकाल लेंगे, ठीक है। और होता है वर्ड फॉर्मेशन आपका मिलेगा 1 से 2 क्वेश्चन। वर्ड फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एडिक्वेटली, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, वो फॉर्मेट का होगा। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यूजिंग द फर्स्ट थर्ड सेवेंथ एंड एट्थ लेटर ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, वैसे टाइप का आपका वर्ड फॉर्मेशन क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। तो ये हो गया आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, बैंकिंग असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ये था आपका प्रोग्राम। अगर हम ऑनलाइन के लिए देखेंगे तो ये सारा का सारा आपको कंप्लीट करना होगा, लेकिन पहले जैसे ही आपका हम लोग का प्रिलिमिनरी एग्जाम खत्म हो जाए, उसके बाद मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए कि कैसे अप्रोच लेंगे मेन एग्जाम में। वैसे इंग्लिश देखेंगे तो यहाँ पे सेम रीडिंग कॉम्प्रेंस रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आता है, फिलर्स आएगा, आपका डबल फिलर्स आएगा या फिर मल्टीपल सेंटेंस फिलर आ सकता है, ठीक है। क्लोज टेस्ट एनी हाउ रहेगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी रहेगा, और सेंटेंस आउट या फिर पैराजम्बल्स रहेगा, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का रहेगा, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन रहेगा, जैसे कि आपको सेंटेंस आधा दिया रहेगा और आधे के लिए आपका 3-4 आपका ऑप्शन दिया रहेगा, उसी से आपको कंसिडर करना है। कनेक्टर्स मतलब ये भी यहाँ पे से क्वेश्चन आ सकता है, बट या फिर आल्सो क्या क्या आपको कंसिडर करना है, कनेक्टर्स उसको बोलते हैं, ठीक है। पैराग्राफ कंक्लूजन या फिर मतलब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया रहेगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं इन्फ्रेंस बोल सकते हैं, एक पैराग्राफ दिया रहेगा उसमें से हमें कंक्लूजन निकालना है। वैसे फ्रेजल वर्ब का सिंगल वर्ड आपका कैसे अप्रोच लेंगे वो आपका आ सकता है, फ्रेजल वर्ब क्वेश्चन आ सकता है। वैसे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आएगा, वर्ड यूसेज और वोकैब बेस्ड का आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर क्वांट में देखेंगे तो स्पेशली आपका डीआई पार्ट आपका बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे आप यहाँ पे लिखा बार ग्राफ, लाइन चार्ट, टेबुलर, कैसलेट, राडार्स, वेब, पाई चार्ट, ये सारा का सारा आपका आएगा। उसके साथ साथ डाटा सफिशिएंसी आएगा आपका क्वांट में, नंबर सीरीज आएगा, अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। और मिसेलेनियस अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स तो आएगा ही आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉफिट लॉस, ये सारा का सारा आपको कवर करना होगा, ठीक है। अगर कवर नहीं करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा फंस जाएंगे, लेकिन इजी रहेगा, यहाँ पे आपका एग्जाम में इजी टू मॉडरेट रहेगा।
बैंकिंग असिस्टेंट के लिए पहले ही बोल देता हूँ, यहाँ पे जैसे IBPS क्लर्क में जैसे आपका फॉर्मेट जितना हार्ड लेवल जितना लेवल का आपका आता है उस वो क्लर्क लेवल का आपका आएगा आएगा बैंकिंग असिस्टेंट के लिए, और थोड़ा सा PO लेवल का आ सकता है आपका असिस्टेंट मैनेजर के लिए। ठीक है, यहाँ पे उतना PO लेवल का भी नहीं आएगा लेकिन उससे थोड़ा कम आएगा। रीजनिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे पजल और सिटिंग में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही, और उसके साथ साथ आपका कोडिंग डिकोडिंग नया आपका मिल जाएगा न्यू पैटर्न का। ठीक है, वैसे इसका भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, बहुत जल्दी लेके आऊँगा। उसके साथ साथ डिरेक्शन का आपका बहुत टफ क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, ब्लड लेसन का कोई टफ क्वेश्चन थोड़ा पूछेगा, सिलोजिज्म रिवर्स सिलोजिज्म या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन डज नॉट फॉलो वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, ओके, डज नॉट फॉलो वाला यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे देखेंगे तो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल यहाँ पे आपका क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन तीन तीन एक एक पांच डिफरेंट वर्ड दिया रहेगा उसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछेगा अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन। डाटा सफिशिएंसी एनी हाउ आपका आएगा, एलिजिबल टेस्ट एनी हाउ आएगा, कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट एंड एजम्पशन इन्फेरेंस, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मेन एग्जाम के लिए। और जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस अगर देखेंगे तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और फाइनेंशियल अवेयरनेस अभी देखेंगे तो क्या मार्केट में क्या क्या चल रहा है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और स्टैटिक के ऊपर तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आ ही जाएगा आपका। ठीक है, वैसे लेसन प्लान अगर देखेंगे सिस्टम मैनेजर के लिए तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं इंग्लिश यहाँ पे थोड़ा ईजी रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ग्रामर स्पॉटिंग एरर जो भी बताया था वहाँ पे तो वही सेम आपका आ जाएगा। क्वांट में भी आपका DI ये रहेगा, नंबर सीरीज अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रिक इक्वेशंस ये इस पर सेम रहेगा एज पर आपका बैंकिंग, और बैंकिंग आपका इजीस्ट लेवल का रह जाएगा। ठीक है, रीजनिंग में भी आपका यहाँ पे इजी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पार्ट रहेगा, जो जो पढ़ाया था आपको जो जो बोला था आपको वहाँ पे बैंकिंग असिस्टेंट मैनेजर के लिए सेम रहेगा। ओके, अगर यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज देखेंगे, जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे कुछ भी करंट अफेयर्स आने वाला नहीं है, हमेशा याद रखिए करंट अफेयर्स आएगा लेकिन बहुत कम आएगा, करंट अफेयर या फिर बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ पे कम आएगा। ज़्यादातर क्या आएगा आपका स्टैटिक के ऊपर आ जाएगा, जैसे कैपिटल एंड करेंसी हुआ या फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड बुक्स हुआ, ऑथर्स एंड हुआ, अवार्ड्स हुआ, हेडक्वार्टर्स हुआ, माउंटेन्स हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, ये सब आपका स्टैटिक जो है वो सब आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और अगर प्रोफेशनल नॉलेज देखेंगे तो टोटली आपका कंप्यूटर के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये थोड़ा आपका आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि DBMS हुआ, कंप्यूटर नेटवर्किंग हुआ, सिक्योरिटी हुआ, शॉर्टकट कीज हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, हार्डवेयर हुआ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, बेसिक बेसिक से लेके पूरा अप टू नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी के तरफ से जितना सारा बेसिक बेसिक क्वेश्चन है फंडामेंटल क्वेश्चन है वो सब आएगा। तो ये था आपका लेसन प्लान, और प्लान ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए और कैसे उसको आंसर निकालेंगे ये थोड़ा ध्यान देना, यही फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन आएगा। आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शुरू चलते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेगा, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम। जुड़े रहिए मेरे साथ, जहाँ पे भी आपको डाउट होगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।